ये आवाज ये बताती है कि ये हाल बहुत भरा है। ये कहना गलत है कि हाल खाली है। अगर आपके लोग, विचारधारा के लोग सत्य में पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में मात्र 10-10 लोग हो जाए तो अगले पंचवर्षीय के अंदर ही उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में पहुंच जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम यह अनुरोध करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम जिंदा दिल लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आज जो दिवस है वह मंडल दिवस है। यही है क्या हम लोग इसी अवसर पर बैठे हैं ना? अच्छा, कुछ लोगों को शंका है, कुछ लोगों को शंका है क्या? कुछ लोग बोल नहीं रहे, शंका है क्या? अरे तो बोलो भैया, जो बोले सो चाप के अपने ताकत को बता पाता है और जो बोलता नहीं वो चुप्पा वो कुछ पाता होता नहीं है। सबसे पहले मंडल दिवस के अवसर पर अपने उन दो महापुरुषों को विशेषतः नमन करता हूं। एक वह महापुरुष जिन्होंने 1968 में बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता हथियाने को काम किया और व्यवस्था पर अपनी चाबी लगाने की कोशिश किया, जिन्होंने दूसरे बार पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए जो आयोग को संस्तुति, जो आयोग को रिपोर्ट पेश किया, जिनके आयोग रिपोर्ट के ऊपर ही 1990 7 अगस्त 1990 को मुहर लगी, उस महापुरुष को नमन करता हूं और एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहता हूं आप सबसे। तदुपरांत जो महापुरुष जिनका एक वर्ग ने तिरस्कार किया, जिन्होंने अपनी सत्ता को तिरस्कृत करते हुए आपके लोगों के लिए 7 अगस्त 1990 में आपकी लड़ाई लड़कर सदन में, वो दो ही सही। कम से कम मंडल रिपोर्ट को दबाव में ही सही, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ जा करके भी, सत्ता गंवा करके भी अगर आपके लोगों के लिए तिनका भर भी काम किया तो जोरदार ताली होनी चाहिए चाहते उसके लिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐ पिछड़ा समाज के लोगों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, अगर इतना भी चेत जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक एक घरों में संविधान और एक एक घरों में मंडल की बात समझ में आने लगेगी, लेकिन अभी तक ये आई नहीं है। आज असल में तीन बात होनी है। आज इस मंच से, इस मंच का जो विषय है कितना प्रासंगिक है, मंडल आयोग, तो मंडल रिपोर्ट पेशित करने वाले, मंडल आयोग की कमीशन सिफारिश लागू करने वाले, उसके उपरांत मंडल आयोग लागू होने के बाद जो दो सिफारिशें के कुछ अंश, वो भी दो सिफारिश पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, उसके जो कुछ अंश लागू हैं, उसके बाद अब आवश्यकता क्या है, आज विषय शायद यही है। यही आशुतोष जी, साथियों, तो हमने दो बात आपसे कही। एक वह रिपोर्ट लागू करने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले महापुरुष, और एक वह जो रिपोर्ट लागू करने वाले महापुरुष। इन दो लोगों की बात चंद लाइन में समाप्त। इन लोगों ने बेहतर किया। 1992 में देश में लागू हो पाई, ठीक कहा हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने, उत्तर प्रदेश में 1994 में लागू हो पाई। लेकिन लागू होने के उपरांत भी ठीक कहा आपने, एक वह वर्ग जो आपके अधिकारों के लिए लागू हुई व्यवस्था उसके खिलाफ आगजनी फैलाया, एक हम हैं, हमारे लोग हैं जो केवल पानी पी पी करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गाली देते हैं और आपसन में कोई काम करने को तैयार नहीं हो पाते। ठीक कहा आशुतोष जी ने, आशुतोष जी आप धन्यवाद के पात्र हैं।
और आज के आयोजन समिति के सभी सदस्य, सभी साथी, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जहां जिस समय एक तरफ पूरे आरएसएस के मिशन के लिए लोग निकले हैं, वही आप इस मंडल की व्यवस्था को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अरे कौन आया है जीने यारो, मरना एक दिन सबको है, और खाक ए मिट्टी सुपुर्द होना सबको है। मरने के बाद कौन जानता है क्या होता है, लेकिन आपके कुछ कर गुजरने के बाद इन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं। याद तो वो पीढ़ियां करेगी अगर आप वो काम कर गुजरेंगे। दर्जनों जनपदों में 5 सालों में जेल जाना पड़ा इस आताताई शासन ने, राष्ट्रद्रोह जैसी केस लगाया, जेल भेजा, तब तक तो हम लोग डरे नहीं, तो अब डरने वाले नहीं हैं। ठीक कहा अशोक जी आपने, लेकिन उसमें मैं एक सुधार चाहूंगा। ये जो व्यवस्था है, बिना आपके सड़क आंदोलन से आपके सदन की आंदोलन नहीं हो पाएगी, आपके अपने बूथ का आंदोलन सदन के आंदोलन के लिए जरूरी है। वो अलग बात है कि 5 सालों में जो समतावादी ताकतों ने, संविधानवादी ताकतों ने आंदोलन करके आरएसएस के खिलाफ भाव बढ़ाया था, उत्तर प्रदेश के वो जिनको सत्ता की जरूरत ज्यादा थी वो सत्ता नहीं ले पाए, ये उनका भी दुर्भाग्य है और संविधानवादियों का भी, सॉरी दुर्भाग्य नहीं कह सकते, कुअवसर है। साथियों, ज्यादा न कहते हुए 2 बात आगे कह के मैं बात को विराम दूंगा। हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, संविधान के जो प्रमुख पहलू हैं, उनको लेकर हम लोगों को जिलावार, तहसीलवार, ब्लॉकवार कमेटियां गठन करके इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हुए हमें अपने महापुरुषों के कृतित्व और उनके जीवनी स्तर पर अपने लोगों का समायोजन करते हुए और उन मुद्दों पर, जिन लोगों के मुद्दों पर विषय ज्ञान है, उन लोगों को, उन लोगों से आने वाले लोगों के बीच में व्याख्यान करवाना बेहद जरूरी होगा। और मैं अनुरोध यह भी करूंगा कि जो हम लोग तय करने की तैयारी कर रहे हैं, बोलने के लिए सबको अलग अलग पहलू दे दिया जाए, एक ही पहलू पर सब बोलेंगे ये कोई मतलब का विषय नहीं होगा। आगे आप सबको अवगत हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार मंडल आयोग के सिफारिश के दौरान तब भी क्रांति पैदा किया था और आज भी करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश चूंकि एक मकड़ जाल में फंस गया, लेकिन बिहार क्रांति करने को है अब तैयार। फरवरी में जातीय जनगणना की राज्य स्तरीय रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद पूरे देश में ये आंदोलन सामाजिक स्तर पर खड़ा होने जा रहा है और राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी ताकत खड़ा होने जा रही है। इसलिए आने वाले समय में हम आज आप सब से अपील करते हुए यही कहेंगे कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें अगर हमें लागू कराना है तो एक ताकत पकड़ लेना है कि जाति जनगणना इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है। ओबीसी की जनगणना नहीं, जाति जनगणना। गलती से भी हमारे जवान से ओबीसी जनगणना का शब्द नहीं आना चाहिए, हमें चाहिए जाति जनगणना। साथियों, हर सप्ताह आगे के दिन हम लोग कार्यक्रम आशुतोष भाई और तमाम संगठन के लोग मिलकर तय करने जा रहे हैं। अगले हर जिले में हर सप्ताह, हर 15 दिन में जाति जनगणना
संगोष्ठी होने जा रही है। जाति जनगणना पर 1,000-1,500 लोगों का कमेटी बना करके परिचर्चा होगा। लोगों के दिलों में, जहन में, दिमाग में, उनके खून में, उनके रोम रोम में संविधान, मंडल और जाति जनगणना और आपका अधिकार डालने की कोशिश की जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, परिवर्तन कल भी था, परिवर्तन अब भी होगा और आप चेत गए तो परिवर्तन कल भी होगा। साथियों, कोई रोक नहीं सकता मेरे। आप सबने हमें सुना, जाति जनगणना सुधार करना है तैयार और मिल जाएगा। अब हम सबको अधिकार, आप सबसे एक नारा के साथ, अभिवादन के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। अपने जगह से हाथ उछाल के बोलेंगे जय संविधान। चूंकि आज मंडल दिवस है तो हम बोलेंगे जय मंडल। हाथ उठा के तेजी से अपनी आवाज में बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम दोहरा देंगे जय संविधान। भैया भूख लगे, देखा खाना तैयार है, बोल अच्छा जय।